सातेवा स्थित ज्ञानदा विद्यालय के 75 छात्र प्राथमिक जांच में कोरोना संक्रमित पाए गए, तब तहसील के साथ ही जिले में हड़कंप मच गया। छात्र इस संस्था के स्पंदन छात्रावास में क्वारंटाइन किए गए हैं। वृक्ष मित्र परिवार द्वारा आवश्यक सामग्री देकर छात्रों की जांच की गई। हिंगनघाट में सातेफल स्थित ज्ञानदा विद्यालय के 75 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए, तब शहर से लेकर जिले में हड़कंप मच गया। तब सभी छात्रों को शहर के इसी संस्थान के स्पंदन छात्रावास में क्वारंटाइन भी रखा गया। सभी छात्र स्वस्थ है। प्राथमिक लक्षण रहते हुए रैपिड टेस्ट में संक्रमित पाए गए, तब स्पंदन छात्रावास वृक्ष मित्र परिवार द्वारा छात्रों को सैनिटाइजर, फ्रूट और जीवनावश्यक सामग्री, दवाइयां भेंट दी गई। इस वक्त वृक्ष मित्र परिवार के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की उपस्थिति में इस संस्था के पदाधिकारी डॉक्टर आदर्श गुजर और डॉक्टर हरीश त्रिवेदी ने इन छात्रों की जाँच स्पंदन छात्रावास के अंदर जाकर की और छात्रों का हौसला बढ़ाया। संबंधित सभी छात्र असिम्प्टोमेटिक लक्षण देखने में आए और उनको उपचार भी दिए गए। संस्था के सभी लोग उनकी जांच के बाद बाहर आने के लिए तालियों के साथ स्वागत किया। डॉक्टर गुजर ने सभी छात्रों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने का मानस इस वक्त जाहिर किया। लाउड बोलना, माइक नीचे इसलिए बोलिए। नमस्ते, ये जो अभी जो जो मैसेज अभी फॉरवर्ड हुआ है कि हिंगन घाट के जो बच्चे हैं ये पॉजिटिव आए हैं, ऐसा जो मैसेज गलत फॉरवर्ड हुआ है। एक्चुअल में जो कोई भी स्टूडेंट, ये सारे के सारे जो पॉजिटिव आए हैं ये सारे के सारे नैनादा स्कूल सातेफल के हैं। यहाँ पे एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, क्योंकि सातेफल के स्कूल में 5 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं। हिंगनघाट शहर का एक भी बच्चा सातेफल के स्कूल में नहीं है। बाकी बच्चे तो बिन लक्षणी, जिसको असिम्प्टोमेटिक बोलते हैं, वो सारे बच्चे वैसे ही है। लेकिन मैं आज ये बोलना चाहूँगा कि जिस समय से लॉकडाउन चालू हुआ अपने यहाँ पर, 22 मार्च से जब डिक्लेयर किया अपने प्रधानमंत्री जी ने, तब से अपने यहाँ पर लॉकडाउन के कारण सारे बच्चे और सारे नागरिक ये सुरक्षित थे। लेकिन जब से लॉकडाउन ओपन हुआ, लेकिन सरकार ने काफ़ी एहतियात बरती और सबको बताया कि आप लोग अपने अपने घरों में रहो और ज़्यादा भीड़ में ना जाओ। PCN न्यूज़ के लिए हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।